नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों, बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे भी कहते हैं, उसकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के 2,506 वैकेंसी जारी की गई है, चार अलग अलग पोस्टों पर। इसमें से पहला पोस्ट है असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, इसकी 96 वैकेंसी जारी की गई है। उसके बाद नेक्स्ट में है कानूनगो, इसकी 240 वैकेंसी जारी की गई है। उसके बाद नेक्स्ट में है अमीन, उसकी 1944 वैकेंसी जारी की गई है। और उसके बाद अगला है क्लर्क, जिसकी 226 वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, यही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, यही सब नोटिफिकेशन है। चारों का अलग अलग जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, हम चारों को अलग अलग नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। आज दोस्तों, हम जो जिसकी पढ़ने वाले हैं अभी, उसको वो लिपिक की है। यहाँ पर लिपिक की जो है पूरा फुल नोटिफिकेशन दोस्तों हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण लिपिक की जो फुल नोटिफिकेशन जारी की गई है उसको आज हम देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। यहाँ पर है विषय बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा के पद पर, मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होगी दोस्तों, के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन करने के संबंध में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बिहार में जो है अधिकांशतः इस तरह की वैकेंसियां जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर ही आती हैं। इसे आप बिल्कुल न घबराएं कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट नहीं होगी दोस्तों, ये एकदम आगे वैकेंसी एक्सटेंड होती रहती है। इसका जो लोग भी इस पर भर्ती होते हैं, वो आगे उनका समय एक्सटेंड होता रहता है। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर देवा निर्देशन अनुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा के रिक्त पद पर नियोजन हेतु सॉफ्ट हार्ड कॉपी के पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। यहाँ पर दिया हुआ है क्रम संख्या, यहाँ पर जो पद नाम है वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ विज्ञापन संख्या 4/2022 है। कुल रिक्तियां कितनी है दोस्तों, 226 है। अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार हिंदी एवं अंग्रेजी के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने की कृपा की जाए। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन है दोस्तों, आगे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है सर्वेक्षण लिपिक के नवसृजित संविदा के पदों के विरुद्ध विशेष सर्वेक्षण लिपिक का संविदा के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर विभागीय वेबसाइट पर लॉग इन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसका 27/9/2022 से स्टार्ट होने वाला है। 27 सितंबर 2022 से इसका ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी है, उसके लिए मैंने पूरी अच्छे से लिख दिया है, आपको आप देख सकते हैं 226 टोटल है वैकेंसी। एससी की कितनी है 30, एसटी की कितनी है 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एबीसी की 39 है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास की कितनी है 22, उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला यानी कि बीसी वुमेन की कितनी है 6, उसके बाद अनारक्षित जनरल जो है उनका 105। जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं वो इसी कोटे से आवेदन करेंगे, उनका जो है अनारक्षित से ही लिया जाएगा। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनका 23 वैकेंसी है। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण जो है उनको मिलेगा यहाँ पर इस वैकेंसी के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि उनके पोता पोती नाती नतनी को 2% क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन संकल्प संख्या के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान है। दिव्यांग जो कैटेगरी के लोग होंगे उनको 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, साथ में उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है आरक्षण, राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता, उसमें क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, सिंपल यहाँ पर दिया है सिर्फ ग्रेजुएशन। मानदेय कितना मिलेगा आपको, सैलरी कितनी होगी 25,000,
नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है उम्र सीमा, एज लिमिट कितनी होगी, आयु सीमा न्यूनतम आपकी दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए 1/1/2022 को। नेक्स्ट में है अधिकतम आयु, अधिकतम कितनी है 37 वर्ष अनारक्षित जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए, उसके बाद जनरल कैटेगरी की महिला के लिए यहाँ पर है। नेक्स्ट में है पिछड़ा वर्ग होते हैं, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर्स है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है नियोजन अवधि, नियोजन अवधि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिहार में इस तरह की वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पर ही होती है, यहाँ पर दिया गया है 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें, इसका फॉर्म जरूर भरें आप लोग। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 गुना इस संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपका जो है फर्स्ट में काउंसलिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है रिक्त पद पर चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची को, जो बचा हुआ काउंसलिंग जो की सूची है, जो यहाँ पर रिक्त पद है उस पर जो चयन हो जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ काउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट के रूप में मान्य किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/2024 तक प्रभावी रहेगा, आवश्यकता के आधार पर वेटिंग लिस्ट के पैनल से उक्त अवधि में नियोजन किया जा सकेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, मैट्रिक इंटर स्नातक और स्नातकोत्तर यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन और पीजी में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक मिलेंगे, स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक मिलेंगे और स्नातकोत्तर यानी पीजी के लिए अधिकतम 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा और उसी के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80%, इंटर में 70%, स्नातक में 60% और स्नातकोत्तर में 50% अंक प्राप्त हैं, तो ऐसे स्थिति में मैट्रिक में वेटेज 80×10/100=8 अंक मिलेगा। उसके बाद इंटर में वेटेज कितने मिलेगा, 70×15/100=10.5 अंक मिलेगा। उसी तरह से स्नातक में वेटेज 60×70/100=42 अंक, इसी तरह से यहाँ पर एवं स्नातकोत्तर में वेटेज 50, उसने 50% तो लाया ही है, 5 अंक का वेटेज है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 और उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर कितना मिलेगा, 2.5 अंक मिलेगा, ये क्या है देय होगा। इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में उसे कुल वेटेज यहाँ 8+10.5+42+2.5 अर्थात 63 अंक दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि डेट्स की बात की गई है, यहाँ पर कहा गया है दिनांक 27/9/2022 से 21/10/2022 के अपराह्न 11:59 रात्रि तक स्वीकार होंगे, मतलब आपका 27 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 21 अक्टूबर 2022 तक आपका इसका एप्लीकेशन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे एवं भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कही है का उल्लेख करेंगे। उसके बाद दोस्तों 11 पॉइंट में यहाँ पर कहा गया विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.lrc.bih.nic.in पर देखी जा सकती है, जो मैंने आपको दिखाया ही है, देख सकते हैं आप यहीं पर जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों आप चलते हैं आगे, यहाँ पर 12 पॉइंट में जो है आवेदन करने का तरीका बताया गया है, यहाँ www.lrc.bih.nic.in पर लॉगिन करने के बाद नियोजन से संबंधित लिंक प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक आपको मिलेगा वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी के मोबाइल एवं ईमेल पर क्या मिलेगा, आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद उक्त आईडी एवं पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी पर्सनल डिटेल एजुकेशनल डिटेल फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कार्रवाई
की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सबमिट करने के पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज कर दिया गया है। एक बार ऑनलाइन फॉर्म फाइनल सबमिट करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार या एडिट करने का ऑप्शन प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन ही मान्य होगा। काउंसलिंग की अवधि में आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य मान्य नहीं होगा, न ही तथ्यों में संशोधन के किसी दावे पर विचार किया जाएगा और न ही आवेदन के समय समर्पित दस्तावेजों का इतर कोई दस्तावेज मान्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ये पूरा फुल नोटिफिकेशन इसकी खत्म हो गई है। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस वैकेंसी के बारे में जितने भी बाकी बचे हुए पोस्ट हैं, जैसे कि अमीन की है, अमीन का भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ की भी। इसके अतिरिक्त दो और पोस्ट हैं जिसमें से असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर और कानूनगो की है, उसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छी पूरी तरह से अच्छे से जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए वैकेंसी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।